बेटा ये एक आई सी है, इसका नाम है सीढ़ी 4017। ठीक है बेटा, ये 4017 आई सी टिकट काउंटर आई सी है, यानी इसको पल्स मिलेगी ना, तो जैसे पल्स मिलेगी पिन नंबर 14 पे, तो ये काउंट करेगी। सबसे पहले इसको काउंट करेगी एक, यानी हाई हो जाएगी, फिर दूसरी लो हो जाएगी, बाकी लो रहेंगी है ना, फिर हाई, फिर ये हाई, इस तरह से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये हाई होती रहेंगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कौन से पिन कैसे है, जैसे मान लिया पहले हाई होगी सबसे पहली बार ये पिन नंबर 3, ये 0 वाली है, फिर पिन नंबर 2, पिन नंबर 4, ठीक है, इस तरह से ये पिन एक एक करके हाई होंगी, बाकी ये लो रहेंगी। अब इसको सर सप्लाई भी चाहिए काम करने के लिए, पिन नंबर 8 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव सप्लाई है, और पिन नंबर 4 पॉजिटिव सप्लाई है, पिन नंबर 15 रीसेट है, और पिन नंबर 14 क्लॉक आईसी, यानी क्लॉक मिलेगी तो वर्क करेगी, अभी आपको दिखाएंगे सिमुलेशन पर। और सी पिन नंबर 13 चिप इनेबल पिन है, और पिन नंबर 12 सी आउट, यानी क्लॉक आउट बोलते हैं इसको, इसके आगे एक आईसी वो लगानी है ना, तो इसका आउटपुट जाएगा दूसरे के इनपुट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसे यूज़ क्या है। यूज़ मैंने आपको बता दिया, ये एज ए टिकट काउंटर की तरह है, पिन नंबर 12 मैंने बता दिया, ठीक है ना, पिन नंबर 13 अच्छी पिन लेवल पिन है, इसको ग्राउंड करना पड़ता है, पिन नंबर 14 पे क्लॉक आती है, पिन नंबर 15 रीसेट के लिए है। ठीक है सर, अब अपन 4017 को समझते हैं सिमुलेटर के ऊपर। सर ये सिमुलेटर में ये है सर, मैंने बताया था आपको पिन नंबर 14 क्लॉक के लिए सर, इस पर सर क्लॉक आ रही है। ठीक है सर, ये पिन नंबर 13 मैंने बताया था चिप इनेबल पिन है, पिन नंबर 15 बताया था मैं रीसेट पिन है। ठीक है सर, और मैंने बताया था आपको अलग अलग आउटपुट रहते Q0 Q1 2 3 4 5 6 है ना। अब सर हम क्या कर रहे हैं, हम ये 4017 को समझना चाहते हैं क्या चीज़ है, तो अपन ने क्या करा सर, ये 8 और एक 9 लगा दी LED। ठीक है सर, अलग अलग आउटपुट पर। ठीक है सर, अब आप देखेंगे कि अपना जैसे पिन नंबर 3 हाई होगी ना, तो ये LED जल जाएगी, 2 पे 3 पे 4 पे, यानी Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, और ये इस तरह से लगातार आउटपुट आता रहेगा सर। ठीक है सर, ठीक है। और सर ये आप सोच रहे होंगे यार बार बार क्यों आ रहा है, बार बार इसलिए आ रहा है सर आउटपुट, यानी बार बार से मतलब ये हो रहा है कि ये जल रही है, ये जल रही है, ये वापस फिर यूँ ये ऐसे जलते रहेगी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप है सर। ये कैसे बनाया सर, ये ऐसे बनाया, ये अपन को मान लिया अभी लगानी थी 9 लगानी थी LED, अगर जितनी लगानी है सर LED उतना ध्यान रखना पड़ता है, तो मैक्सिमम 9 अपन को लगानी थी, तो सर अपन ने 9 लगानी थी ना सर, पिन नंबर 11 से आउटपुट ले लिया जो जा रहा है पिन नंबर 15 पर रीसेट पिन पर, है ना, हो क्या रहा है, पहले ये हाई हुई फिर ये हाई होगी, अब आप देखना ऑटोमेटिक सारी हाई होंगी। ठीक है, और सर ये 5 हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, ठीक है, 11 होते क्या होता सर, वापस रीसेट हो जाती है। कुल मिला के क्या है सर, डिगर काउंटर में क्या होता है, क्लॉक मिलती रहती है, ये हाई हो जाएगी बाकी सब लो रहेगी, ये हाई हो जाएगी बाकी सब लो रहेगी, इस तरह सर ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाई होंगी। जैसे पिन नंबर 11 होगी तो ये ऐसी रीसेट हो जाएगी सर, पिन नंबर 15 की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये लो होती है ना तो ये रीसेट नहीं होती है, अपना काम करती रहती है, जैसे ही ये हाई होती है रीसेट हो जाती है, पिन नंबर 11 का काम क्या है, इसको रीसेट करना। ठीक है सर, ये मैंने एक चेजर का प्लेट बनाया सर आपके लिए, इसको आप आराम से निहार लो, और इसको सेम टू सेम ऐसे कैसे बनाओगे बिल्कुल आपका पूरा प्रोजेक्ट वर्क करेगा सर। ये मैंने एक दूसरा प्लेट बनाया है, वो भी 4017 IC पर बनाया है, ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदर, इसमें रेड लाइट जलेगी, फिर येलो जलेगी, फिर ग्रीन जलेगी। अब आप देख रहे होंगे सर इसमें डिले टाइम भी है, रेड ज़्यादा देर जलेगी, ग्रीन ज़्यादा देर जलेगी, और येलो कम देर के लिए जलेगी। तो आप सोचेंगे यार ये कैसे हो रहा है, ये सर ऐसे हो रहा है कि पिन नंबर 3, पिन नंबर 2, पिन नंबर 4 का आउटपुट अपन ने डायोड के थ्रू दे दिया सर, तो जब ये हाई होगी तो आउटपुट यहाँ रहेगा, जब ये आएगी तो ये आउटपुट यहाँ रहेगा, जब ये हाई होगी तो ये आउटपुट यहाँ रहेगा। कुल मिला के सर ये पिन नंबर 3, पिन नंबर 2, पिन नंबर 4 तक यहाँ हाई रहेगा, जिससे ये रेड LED जलती रहेगी, येलो LED पर डिले कम देना था, तो इसलिए अपन ने पिन नंबर 7 से जोड़ दिया। ठीक है, अगर डिले बढ़ाना है तो सर इसमें भी 2 डायोड लगा सकते हैं, किसमें, येलो के लिए,
और डिले बढ़ाना है तो सर अपन क्या कर सकते हैं, ये तीन डायोड लगाए ना सर, चार डायोड लगा सकते हैं, तो चार इधर आठ और डिले बढ़ जाएगा, और येलो कम करना है तो येलो में डायोड लगाने जुड़ती है। ठीक है सर, वो का वो सर्किट है सर, सेम टू सेम। पिन नंबर 14 क्लॉक है, पिन नंबर 13 अच्छी पिनेबल है, इसको ग्राउंड करना पड़ता है एकदम। पिन नंबर 15 रीसेट है, तो अपन चाहते हैं कि जैसे ही ये पिन नंबर 6 हाई हो, ठीक है, तो ये आईसी रीसेट हो जाए। इस तरह से सर ये आपका पूरा इनफाइनेटली ट्रैफिक लाइट सिस्टम रेट बता सकते हैं। तो सर आप सेम टू सेम वीडियो में साफ आ रहे हैं, नहीं आ लीजिए सर आप।